लायक़ सद एहतराम मवालिया ने हैदर करार परवरदिगार आलम का ये इंतहाई बड़ा करम है और ये उसका फ़ज़ल है अपने बंदों पर कि उसने हमें अपने उन प्यारे बंदों की महबूब तरीन बंदों की महफिल ज़िक्र में आना नसीब किया कि जिन बंदों से रब्बे ज़ुल जलाल ख़ुद मोहब्बत फरमाता है। परवरदिगार आलम ने इस कायनात के अंदर बहुत सारी नेमतों को खल्क फरमाया है। माँ बाप एक नेमत है, इंसान का ख़ुद का अपना वजूद एक नेमत, इल्म एक नेमत है, जो ग़ज़ा इंसान खाता है वो एक नेमत है, जो हवाएं चलती हैं ये एक नेमत है, इंसान की कुव्वत बसारत एक नेमत है, कुव्वत समात एक नेमत है, कुव्वत फ़िक्र एक नेमत है। फिर परवरदिगार आलम ने इंसान को सिर्फ वजूद नहीं अता फरमाया बल्कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को खलका फसवा ठीक ठीक बनाया, कोई तमाम जो नोक पलक होती हैं उनके साथ ठीक ठीक परवरदिगार आलम ने खल किया, कोई ऐब नहीं रखा, कोई नक्स बाकी नहीं रखा। ये ख़ुद एक अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। लेकिन कुरान करीम की एक आयत है कि जिसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल का ये इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जहाँ हम क़यामत के दिन बहुत सारे सवालात करने वाले हैं वहीं पर एक सवाल एक ख़ास चीज़ के बारे में है और उस चीज़ का ज़िक्र आयत करीमा के अंदर अन्नईम के ज़रिए से किया गया है। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर से पहले की बात क्या है, बहुत कुछ बड़ी तफसील, लेकिन वो उस तफसील के बाद क्या है, सुम्मा लतुसअलुन्ना लतुसअलुन्ना, लाम ताकीद है इब्तिदा के अंदर, आखिर में नून ताकीद है। मुझे वो चेहरे नज़र आ रहे हैं कि
जो इन बातों को समझते हैं अच्छी तरह से। लाम ताकीद नून ताकीद और दरमियान में है तुसअलुन्ना, तुसअलुन्ना नहीं कहा है या तुसअलो भी नहीं कहा है, लतुसअलुन्ना कहा है कि हम सवाल करेंगे, यकीनन यकीनन हम सवाल करेंगे। यौम इज़न उसी दिन, अन नईम एक ख़ास नेमत के बाद, अन नईम नहीं कहा है, अन नईम कहा है अलिफ लाम के साथ कहा है, अन नईम एक ख़ास नेमत के बारे में सवाल करेंगे। एक शख्स पहुंचा सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम, मौला की खिदमत में आकर पूछता है, मौला इस आयत के अंदर अन नईम से मुराद क्या है? मौला ने पलट कर उसी से पूछा, तुझे क्या लगता है अन नईम से मुराद क्या है बतला। वो कहने लगा कि मौला यबना रसूलल्लाह, ये गालिबन मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ये वो दाने हैं कि जो इंसान दुनिया में खाने वाला है और वो कतरे हैं कि जो इंसान पीने वाला है। जब ये बात हुई है तो मौला इरशाद फरमाते मुस्कुरा करके, क्या कभी किसी करीम के सखी के जवाद के दस्तरखान करम पर जाकर तुझे खाना और दावत नसीब हुई है? जवाब में कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल हुआ है, खाया है मैंने किसी दस्तरखान, किसी करीम के किसी सखी के दस्तरखान पर बैठकर मैंने बिल्कुल दावत खाई है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जब तू उस दस्तरखान करम से उठा और दावत के बाद जब तू अपने घर जाने के लिए रुख्सत होने लगा, तुझे रोक कर उस करीम ने उस सखी ने यह पूछा हो, हिसाब देकर जाओ कितना खा कर जा रहे हो कितना पी के जा रहे हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। का करीम की शान नहीं है ये कि वो जो दे दे उसके बारे में सवाल करे? हाँ, यहां पर विद इन दी ब्रैकेट ये जरूर कहूंगा कि जो कानून है शरीयत है कि इसराफ अगर होगा कि जो किसी का हक जाया इंसान कर देता है तो फिर उसके बारे में सवाल होगा, लेकिन जो खा लिया जो बदन पर लगा दिया उसके बारे में परवरदिगार करीम है। तो कहा कि जब उसने सरेंडर किया ना, मैं यहाँ पे क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ, अभी तक क्या कह रहा था, मुझे लगता है मेरे ख्याल से यूँ होगा ऐसा होगा वैसा होगा, जिसे ठोस अरबी में क्या उर्दू में कहा जाता है टामक तोयाँ करना और अटकलें बयान करना। जब तक वो अटकलें बयान करता रहा, वो बयान करता रहा, और जब उसने कहा कि मौला आपके अलावा और कोई बयान नहीं कर सकता, फिर इमाम ने कहा अब सुन, फिर इमाम ने फरमाया अब सुन कि ये जो अन नईम है यहाँ पर मुराद हमारे जद हमारे दादा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत है कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम कयामत में सवाल करेगा कि ये वो नेमत थी कि जिस नेमत के साथ तुमने कैसे बर्ताव किया, ये नेमत थी। लेकिन ये सिर्फ विलायत नहीं है, विलायत अमीरुल मोमिनीन, इमामत अमीरुल मोमिनीन, मवद्दत अमीरुल मोमिनीन, जो कि विलायत के मसादिक हो सकते हैं जो मैंने सारे बयान कर दिया आपकी खिदमत में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है। ये कितनी बड़ी नेमत है? ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत है, नेमतों में की सबसे बड़ी नेमत। अच्छा, एक शख्स ने जटे इमाम अलैहिस्सलाम ही से पूछा, क्या था कि दाइमुल इस्लाम कितने हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? तो मौला ने इरशाद फरमाया अस्सलात व सौम वल हज व ज़कात वल विलाया। और उसके बाद फिर इमाम अलैहिस्सलाम से पूछने वाले ने यह पूछा कि मौला इन पांचों में से अफजल कौन सी है? नमाज? मौला ने कहा नहीं। रोज़ा? कहा नहीं। हज? नहीं। ज़कात? नहीं। कहा फिर कौन सी शय अफजल है? कहा विलायतुना अहलल बैत, हम अहले बैत अथार की विलायत व इमामत व मवद्दत, ये सबसे अफजल है इन सारे के सारे पांचों पिलर्स में से। पूछने लगा कैसे? अब ऐसे तो हर दौर में मिलते हैं ना कि जिनको कालल बाकिर अलैहिस्सलाम और कालल सादिक अलैहिस्सलाम से ज़्यादा लॉजिक की बात समझ में आती है, वो इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी करना पसंद नहीं करते, नतीजतन अपने ही अकल के ग़ुलाम बनकर रह जाते हैं ना। अच्छा, खैर पूछा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या सफ़र इख्तियार करते हो? कहाँ का सफ़र में नमाज कितनी पढ़ते हो? चार रकत ही वाजिब नमाज। अब ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये इमाम के अल्फाज नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा सफ़र के अंदर नमाज का क्या होता है? कसर हो जाती है। रोज़ा? सफ़र के अंदर नहीं रख सकते इंसान। हज? साहिब इस्तेताद पर वाजिब है। ज़कात? जो साहिब निसाब होगा उस पर वाजिब है। ये
चारों, इन पांच दाइमुल इस्लाम में से, इन पांच पिलर्स ऑफ इस्लाम में से ये चार चीजें वो हैं कि जिनमें कभी ना कभी किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी सरकमस्टेंसेस के अंदर रुख्सत है। मगर विलायत ना अहले बैत, हम अहले बैत की विलायत और इमामत और मवद्दत चाहे बूढ़ा हो या जवान हो या सुबह हो या शाम हो, सफर हो या हजर हो, गुर्बत में हो या वतन में हो, किसी के लिए कोई रुख्सत नहीं है, हर हालत में वाजिब है, हालत में वाजिब है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं नेमतों के सिलसिले की, अगर आप नेमत के गिनेंगे ना कि जो आज का दिन बहुत बड़ा दिन, ईद का दिन गुजर गया और हमारे लिए तो क्या आपकी खिदमत में अर्ज करें, चलिए छोड़ दें वो बात, मैं बात को आगे बढ़ा दूं। एक दुरूद भेजेंगे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद, परवरदिगार आलम ने कायनात में एक अली खल्क फरमाया और वो अली हमारे और आपके हिस्से में आया है। हमें नहीं मालूम इसका शुक्र अदा कैसे कर सकेंगे या कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़े मर्जा अली कदर का जुमला है जो खुतबा ने पढ़ा, जो मुकर्ररीन ने पढ़ा है कि अल्लाह ने एक अली खल्क फरमाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम नसीब वाले हैं कि वो एक अली हमारे नसीब में आया। मगर बात यह है कि जो अली हमारे नसीब में आया वो दुनिया की किसी आम जमीन पर नहीं आया, जब आया तो अल्लाह के घर में आया, जब आया है तो इस शान से आया है कि अल्लाह के घर में आया, वो घर के जो अबू तालिब का घर था कि जिस घर में हजरत रिसालत माँ परवान चढ़े हैं, जहां पर उनकी परवरिश होती रही है। हल जजा उल एहसान इल्ला लहसान, अबू तालिब ने अपने घर में मोहम्मद मुस्तफ़ा को पाला। जब अल्लाह ने ये देखा अपनी शान करीमी को, ऐसे अबू तालिब पे निछावर किया, ए अबू तालिब तूने मेरे मोहम्मद को अपने घर में पना दी, अब तेरा अली कहीं नहीं मेरे घर में आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत ईसा अलैहि सलाम की विलादत का वक्त आया, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब मरियम ताहिरा हैं, इस्तीफा की मंजिल पर हैं, बीबी मरियम का मकाम भी छोटा नहीं है, मगर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बराबर नहीं है। या जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जब गई हैं तो क्या परवरदिगार आलम ने उनके लिए खास वो इंतजाम रखा तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए इंतजाम नहीं था। और जब वो तशरीफ ले गई माबत की तरफ उम्मे ईसा, तो ये कहा गया कि हाजा यहां होना मौज़ुल इबादा वला मौज़ुल विलादा, कि ये जो जगह है ये विलादत की जगह नहीं, ये इबादत की जगह है। और वहाँ जब बीबी फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लेकर आई हैं खाने काबा की दीवार के सामने और अपने शिकम मुतहर के अंदर मौजूद उस मौलूद का वास्ता दिया है, उस हस्ती का वास्ता दिया है कि जो दुनिया में आने से पहले अपने मादर गरामी के लिए मुश्किल कुशा बन रहा था, जब उनका वास्ता दिया है और उस वास्ता अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जरिए से दीवार काबा शक हुई है, दीवार काबा शक हुई है और अंदर से आवाज आई है कि ए बीबी अंदर दाखिल हो जाइए, ए बीबी अंदर आ जाइए, तो जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ने वहां से एक ऐसी हैबतनाक आवाज सुनने के बाद बजाय ये कि फरार किया हो खुद दीवार के आगे आने लगी, उस शक हुई हुई दीवार के अंदर जौफे काबा में जाने लगी। जवाब तो यही है ना अजीजो, फरार उस वक्त करती जब किसी फरार की माँ होती। अरे भैया ये तो हैदर कर्रार की माँ है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मादर हैदर कर्रार है। और जब दीवार काबा के शक होने के बाद रिवायतें ये बयान करती हैं कि जो दीवार काबा शक हुई है इतनी जगह बनी कि एक इंसान के गुजरने की जगह बन जाए। साहेब नूरुल अबसार ने लिखा है कि परवरदिगार आलम ने काबे की दीवार को शक करके कयामत तक के आने वाले इंसानों को ये बतला दिया है कि ये जो अली है ना ये मालिक काबा भी है, ये वारिस काबा भी है, और ये अदना
यानी अकरब, सबसे करीब तरीन भी है काबा के। ये काबे के घर का वारिस है, काबे में जैसे आना चाहेगा वैसे आ जाएगा। अगर दरवाजे के जरिए से, अब सवाल तो यही होगा ना कि ये क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ कि भाई दीवार शक करनी पड़ी। दुनिया वो दुनिया है कि जो ऑफेंस को बर्दाश्त ही नहीं करती। हमारे यहां तो आजकल की दुनिया यही है ना कि नो ऑफेंस जस्ट, अच्छा डिफेंस को भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन हम क्या कहते हैं, नो ऑफेंस, ठीक है नो ऑफेंस। अगर नो ऑफेंस है तो जो कहते हैं जरा कड़क तरीके से बताएं ताकि बात हमारे जहन में रह जाए, जरा ऐसे बताएं मजबूती से कि कड़क कड़क तरीके से बताएं कि हमारे जहन में रह जाए। परवरदिगार आलम ने अली के इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी के लिए कोई आम रास्ता नहीं रखा, ऐसा रास्ता रखा कि जैसा मकाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम का अलग है, जैसा मकाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम नुमाया है ना, बिल्कुल यूनिक है, वैसी अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम की विलादत को अल्लाह ने यूनिक रखा। ठीक है, फकत अली इब्ने अबी तालिब है कि जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा जा सकता है, और फकत अली इब्ने अबी तालिब है जिन्हें मौलूद काबा कहा जा सकता है। अच्छा, अब जब दीवार काबा शक हुई है और बीबी फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा उसमें तशरीफ ले गई तो दीवार दोबारा से बंद हो गई, और बीबी ने उस शक हुई हुई दीवार यानी उस जौफ़े काबा के अंदर 3 दिन तक या 4 दिन तक या 4थे दिन बीबी बाहर तशरीफ लेकर आई, कयाम फरमाया है। ठीक, जब तक बीबी जौफ़े काबा के अंदर रही, इनसाइड काबा जब तक बीबी रही, तब तक जन्नत से फलाते रहे, और वो जो दुनिया की अजीम तरीन ख़वातीन है ना, बीबी आसिया, बीबी मरियम, बीबी सारा, ये आ आ कर जनाब सैयदा जनाब फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत गुजारी करती रही। ठीक, क्या वजह थी परवरदिगार आलम ने दीवार काबा को शक करके बीबी को अंदर बुलाया? जो दस्तूर था, जो तरीका था, दरवाजे से आ जाए इंसान तो दरवाजे से दरवाज़ा खुल जाता, जब बीबी पहुंच जाती तो बीबी उस दीवार के, जिस दीवार को शक करके परवरदिगार आलम ने बीबी बिनते असद को खाने काबा में अपना मेहमान बनाया, उसके उलट साइड के ऊपर, उसके दूसरे साइड के ऊपर वो दरवाज़ा था कि वो दीवार थी कि जिस दीवार में दरवाज़ा है या जिसे हम मुल्तज़म कहते हैं, दीवार से दरवाजे से अंदर आ जाती, दरवाज़ा खुल जाता, बगैर चाबी के दरवाज़ा खुल जाता। लेकिन अगर बगैर चाबी के दरवाज़ा खुल जाता तो बात करने वालों को और उंगली उठाने वालों को और नुक्ता चीनी करने वालों को कि जिनके दिलों में अली और अबू अली अबू तालिब के बुग्स की के मर्ज लाहक था, का मर्ज जो लाहक था, उनको एक मौका मिल जाता, वो कहते कि यही तो हैं कि जिनके पास काबे की दरवाजे की चाबी है, इन्होंने खामोशी से ताले की चाबी खोल दी होगी और इन्होंने पहले से नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक के एक स्ट्रेटजी और एक प्लान बनाया होगा कि ये आ जाएंगी और ख़ुद ही इस तरह से इनका मंसूबा होगा। परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद का कि इनके पास बोलने के लिए, एतराज़ करने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। और दीवार शक करके, अच्छा जब दीवार शक हुई बीबी अंदर तशरीफ ले गई, बीबी अंदर 3 दिन तक रही, और जैसे ही बीबी के बाहर आने का वक्त हुआ बीबी ने सबसे पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। ठीक, और इस पूरे सिनेरियो में हज़रत अबू तालिब अलैहि सलाम कहाँ हैं? वो हज़रत अबू तालिब अलैहि सलाम के जिनकी जौजा हैं, कि जिनके यहाँ विलादत होने वाली है और शौहर नामदार को कोई फिक्र नहीं है कि मेरी जौजा कहाँ है, जनाबे बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा अपने घर से जो चली हैं तो चलने के बाद कहीं और नहीं गई, ना किसी डॉक्टर के पास गई हैं, ना किसी मैटरनिटी होम में गई हैं, ना किसी तबीब के पास, ना किसी रफीक के पास, ना किसी और जगह, अगर आई हैं तो खाने काबा की दीवार मस्जिदुल हराम के अंदर वहीं आकर रुकी हैं। इसके माना कि खुद आई नहीं है, बुलाई गई हैं, खुद आई नहीं है बुलाई गई हैं। ऐसे आलम में
निकलता नहीं घर से कोई, किस तरह बिनते असद तुझको गवारा होगा। या तो अनवार इमामत के इशारों पे चली, या तुझे खालिक अकबर ने बुलाया होगा। और एक दुरूद भी है और भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जनाबे बिनते असद है, बुलाया किन्हें बुलाया? हजरत रिसालत माँ को बुलाया, अभी भी अपने शोहर अबू तालिब अलैहि सलाम को नहीं बुलाया, रसालत माँ को बुलाया और ये कहकर पैगाम भिजवाया कि जो मौलूद है, ये जो मेरा बेटा इस दुनिया में आया है, जब से दुनिया में आया है इसने आंखें नहीं खोली है, ना कोई गुफ्तगू की है, ना रोया है, ना आंखें खोली है, कोई जुम्बिश नहीं है। एक मरतबा रिसालत माँ तशरीफ लाए और रसूल ने आकर अली को अपनी गोद में लिया और जू ही नबूवत के सूरज की किरणें इमामत के फूल पर पड़ी थी, अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी आंखों को खोल दिया और जैसे ही रिसालत माम ने देखा कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने सबसे पहले रसूल की चेहरे के सामने पाते हुए अपनी आंखों को खोला है, तो फौरन रिसालत माम ने कहा कि या अली खससतनी बिनजर व खससतुका बिल इल्म, ए अली तूने मुझे इस बात से मखसूस किया कि इस दुनिया में आने के बाद तूने किसी का चेहरा नहीं देखा, अगर चेहरा देखा तो पहले मेरा चेहरा देखा, इस चीज़ की एवज मैं तुझे क्या तोहफा देना चाहता हूँ, खससतुका बिल इल्म, मैं तुझे अपने इल्म से सरफराज करता हूँ। ये बात याद रखिएगा, इस एक जुमले की तशरीह के अंदर उलमाए कराम ने बहुत बयान किया है और बस इतना समझ लीजिए कि इमाम जो होता है ना वो इस दुनिया में आकर पढ़ लिख कर इमाम नहीं बनता, पढ़ लिख कर इमाम नहीं बनता, इस दुनिया में आकर इमाम नहीं बनता, इमाम बनकर दुनिया में आता है, ठीक है। तो जो इमाम बनकर दुनिया में आ रहा है तो जो इमामत के मुतकाजी उलूम और आलात हैं वो परवरदिगार आलम उसे पहले से दे के भेज रहा है, अगर मनसब इमामत देकर भेज रहा है तो इल्म इमामत भी देकर भेज रहा है, अगर इल्म इमामत अली के पास था तो रसूल ने जो दिया वो क्या था। इसके माना ये हुए कि कुछ ऐसे असरार होते हैं कि जो हर इमाम से उसके दौर में खास होते हैं, ये वो असरार थे जो परवरदिगार आलम ने रसूल को वदियत किए थे, रसूल ने कहा ऐ अली तूने अपनी पहली नजर से मुझे मखसूस किया, मैं उन असरार परवरदिगार आलम से तुझे मखसूस करता हूं। सीनाए मोहम्मद मुस्तफा में जो राज थे वो सीनाए अली इब्ने अबी तालिब में भी मुंतकिल हो गए और रसूल अकरम की गोद में पलने वाला ऐसे वज़ानी फी हिजरही व अना वलद यकनिफुनी अला फिराशही यज़मुनी अला सदरही, रसूल मुझे हर वक्त अपने साथ रखते थे, अपने पहलू पर बिठाते थे, अपने सीने पर सुलाते थे और लुकमा अपने दहन में चबाते थे फिर मेरे मुंह में रखते थे। वकुन तो अत्तबेउहू इत्तेबा अल फसीले असरा उम्मे, और मैं अपने रसूल की, मैं हबीब खुदा की ऐसे इताअत करता था कि जैसी इताअत एक ऊटनी का बच्चा अपनी मादर ऊटनी की इताअत करता है। क्या इसकी निशानी है, आप ये देख लीजिएगा। अब ऊंट तो खुदा ने खुद कुरान करीम के अंदर ये भी इरशाद फरमाया कि फंजुर इलल इबले कैफा खुलकत, कि अल्लाह कि इस खिलकत ऊंट की तरफ देखो कि अल्लाह ने इसे कैसे खल कर रखा है। जहां से ऊंटनी अपने पंजे को उठाती है ना तो जो जगह खाली होती है एग्जैक्टली उसी खाली जगह में उसी पंजे के नक्श पर आके ऊंटनी का बच्चा अपना पंजा रखता है, ना उससे पीछे ना उससे आगे। ये इत्तेबाए अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि हरकतों सुकूनतों जुम्बिश जैसे रसूल की थी वैसी अली इब्ने अबी तालिब की थी।
रसूल की इताअत के अंदर रहा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से बात हो गई। अब आ जाएं मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने के बाद गहवारे के अंदर झूम रहे हैं। यहाँ तक कि एक अजदहा था कि जो चल कर गहवारा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के करीब आ गया, और जैसे गहवारे के करीब आया तो वो, आपने वाकया सुन रखा है, वो रिवायत आप सब जानते हैं कि मौलाए कायनात ने क्या किया। मौलाए कायनात ने कल लाए अजदर को चीर के दोपारा कर दिया। कल लाए अजदर को चीर के दोपारा किया, यानी कि जो सर होता है उसको पकड़ा और ऐसे चीर दिया कि उसे कट इंटू टू कर दिया, चीर के दोपारा कर दिया। अच्छा, ये मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने गहवारे में फरमाया। वही मादर जनाबे हैदर कर्रार बीबी बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जिस पारचे के अंदर शहजादे को लपेटती हैं, अपने नौ मौलूद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लपेट कर जाती हैं, कस के जाती हैं उस कपड़े के अंदर, जब वापस पलट कर आती हैं तो क्या देखती हैं कि दस्ते यदुल्लाही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कपड़े से बाहर हैं। ठीक, अब किसी ने कहा कि तस्बीह कर रहे थे मौलाए कायनात, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, हम क्या जाने कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, लेकिन ये आलम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाजू का उस वक्त भी कल्ला इजदर को चीर के दोपारा किया। ये अजदहा है क्या, इसकी तारीख क्या है? ये अजदहा कोई आम अजदहा नहीं है, ये अजदहा सिर्फ मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की जानिब नहीं आया है, बल्कि हर मौलूद के पास इस अजदहे को छोड़ा जाता था। और ये अजदहा था क्या, इसका काम क्या था? ये खास अजदहा था, जो भी इस दुनिया में नया पैदा होता था, नया मौलूद होता था, उस पर इस अजदहे को छोड़ा जाता था और देखा जाता था कि क्या ये अजदहा जाकर उसे डंक मारता है, डसता है या नहीं डसता है। वो अजदहा उस नौ मौलूद बच्चे के करीब आता था, उसे सूंघने के बाद अगर डस दिया करता था तो ये कहा जाता था कि ये जो बच्चा है इसकी विलादत पाकीज़ा नहीं है, और अगर सूंघ कर छोड़ के वापस आ जाता था तो ये कहा जाता था कि इसकी विलादत पाकीज़ा है। गोया ये अजदहा जो था वो अजदहा नहीं, अजदहे से ज़्यादा मेयार था। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस अजदहे को दोबारा नहीं किया है, दरअसल उस दौर के अंदर राइज एक मेयार को तोड़ा है। मैं अब अपने अल्फाज में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अली के इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस अजदर कल्ला अजदर को चीर के दोपारा करते हुए यही कहना चाह रहे होंगे कि दुनिया वालों देख लो, आज तक विलादत की पाकीजगी का मेयार ये अजदहा था और आज से इस मेयार को तोड़ रहा हूं, क्योंकि आज से पाकीजगी विलादत का मेयार खुद मैं अली के इब्ने अबी तालिब हूं। यही तो वजह हुई जब वो अजदहा चल बसा, उसे दो टुकड़े कर दिया गया, उसके बाद नौ मौलूद बच्चे की विलादत की पाकीजगी की पहचान का मेयार हुआ क्या? यही तो किया जाता था, उस बच्चे को अली के पास लाके छोड़ा जाता था, जो अली को देख के मुस्कुराता था कहते थे पाकीजा है, जो मुंह मोड़ लेता था मेरे भाई ने बहुत देर लगाई सोच के तय करने में कि मैंने दुरूद पढ़नी है। इनके प्रोसेस हुआ पूरा, ये नुक्ता तो हो गया, अब क्या करूं मैं, पढ़ूं दुरूद, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, फिर इन्होंने कहा चलो पढ़ा देते, तो अब आप इस बात पे इनके दुरूद पढ़ाने पर एक दुरूद पढ़े सारे मिलके मोहम्मद। यस नो हुआ तो नहीं भाई, ये बात हमारी महफिलों की जीनत है, दुरूद का पढ़ना पढ़ाना, अली इब्ने अबी तालिब के नाम का नारा लगाना। आप ये ना समझिएगा कि जो पढ़ता है वो कोई शोर शराबा करना चाहता है या शोर शराबा करवाना चाहता है। अब ये मवद्दत की निगाहों से इसको देखना चाहिए, इसलिए कि अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहने से कोई फ़र्क तो होना नहीं, मुझे मालूम है। कहना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हमारी पहचान है ना हमारी कौम की, इन पहचानों को हमने अपने हाथों में रखना है। इन चीज़ों के ज़रिए से हम पहचाने जाते हैं, नारे हैदरी से हम पहचाने जाते हैं, मातम से हम पहचाने जाते हैं, अलम से हम पहचाने जाते हैं, फ़र्श अज़ा से हम पहचाने जाते हैं, मिंबर पर मजलिस पढ़ने पढ़ाने से हम पहचाने जाते हैं। ये हमारे इम्तियाज़ात हैं, ये हमारी पहचान है। तो आपने सुना मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम कल्ला अजदर को चीर के दोबारा किया, ठीक।
लेकिन रसूल का, अच्छा रसूल खुद मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की फकत ऐसा नहीं कि उस कल्ला अजदर को चीरा है तो उसके बारे में उलमाए कराम ने और भी इरशाद फरमाया, और ये भी कहा है पढ़ने वालों ने कि जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसको चीरा है कल्ला अजदर को, तो हैवानों को खुदा मानने वालों का इनकार किया है ने कि ये देखो इसे मैंने चीर दिया, हैवान खुदा नहीं है। ये और बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर अल्लाह का इनकार हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए फिर बुत परस्ती हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए आग को पूजा गया, ठीक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हैवानों को पूजा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों को पूजा गया, ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर बुतों को पूजा गया। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इजमाल के साथ, तफसील के साथ नहीं, इजमाल के साथ एक ही जुमले के अंदर सारे खुदाओं का इनकार कर दिया, इजमाल के साथ एक लफ्ज एक जुमले के अंदर सारे खुदाओं का इनकार कर दिया, रिसालत माब तशरीफ़ लाए और सूरज के खुदा का भी इनकार कर दिया, हैवानों के खुदा होने का भी इनकार कर दिया, इंसानों के खुदा होने का भी इनकार कर दिया, आग के खुदा होने का भी इनकार कर दिया, और क्या जुमला कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने कि जो रसूल के वसी हैं उसी जुमले की तफसील बयान की है, कैसे सूरज को पलटा दिया कि सूरज खुदा नहीं, बुतों को तोड़ दिया कि बुत खुदा नहीं, कल्ला अजदर को चीरा गहवारे में कि हैवान खुदा नहीं, और अपना सर सजदे में रखा बता दिया इंसान खुदा नहीं। और कहने वालों ने यहां तक भी कहा कि ये आप जो बातें करते हैं ना एग्जैजरेट करते हैं, ये आप एग्जैजरेशन ना किया करें। हाँ ये हो सकता है कि बयान करने वाले की अली से मुहब्बत की वजह से उसका अंदाज ऐसा हो, लेकिन एग्जैजरेशन नहीं है, इसलिए कि सारी बातें रिवायतों से और किताबों से साबित हैं। तो किसी ने ये कहा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये जो काबे में आए हैं ये एक इत्तेफाक था, महज हुस्ने इत्तेफाक था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अगर ये इत्तेफाक था तो बिनते असद का अपने घर से या जहाँ पर भी बीवी को एहसास हुए कि वक्त विलादत करीब है तो उस जगह को छोड़ कर बीबी वहाँ तशरीफ लेकर आई कि जहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आएगा, मस्जिद में आई और बीबी तशरीफ लेकर आई मस्जिद के अंदर और खाने काबा की दीवार के सामने आकर खड़ी हो गई। ये एक इत्तेफाक था, कहने वाले के मुताबिक कह रहा हूँ कि ये एक इत्तेफाक था कि बीबी खाने काबा मस्जिद हराम में तशरीफ ले आई, ये एक इत्तेफाक था, दीवार काबा शक हुई ये एक इत्तेफाक था, बीबी घबराई नहीं और दीवार काबा के शक होने के बाद जौफ़ काबा में तशरीफ ले गई फिर दीवार बंद हो गई, ये एक इत्तेफाक था, तीन दिन तक बीबी रही ये भी इत्तेफाक था, आसमान से जन्नत से जो फल आए वो आते रहे ये इत्तेफाक था, बीबियाँ अजीम अजीम बीबियाँ बीबी आसिया बीबी मरियम बीबी हाजरा बीबी सारा ये आती रहीं ये भी एक इत्तेफाक था, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अंदर विलादत हो गई ये भी एक इत्तेफाक था नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और फिर से दीवार शक हुई और बीबी बाहर तशरीफ लेकर आईं और अभी तीन दिन हो गए हैं और नौ मौलूद ने आंखें नहीं खोली ये भी एक इत्तेफाक, और अचानक से रसूल की गोद में आए तो आंखें खोल दी ये भी एक इत्तेफाक, और एक इत्तेफाक ऐसा भी है कि रसूल ने कहा कि या अली कुछ सुनाओ तो अली इब्न अबी तालिब ने अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ शायद लौहे महफूज से पढ़कर कुरान करीम की सूरह मोमिनून की आयतें पढ़कर सुनाना शुरू कर दी, 11 आयतें पढ़ी, ये भी एक इत्तेफाक। तो अगर ये सारा इत्तेफाक था, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाहु मकामहु ने ये लिखा या ये पढ़ा उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर, उन्होंने कहा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इत्तेफाकात की भी क्या बात है, क्या शान है कि जो इत्तेफाक है अली इब्न अबी तालिब का वो दूसरों के इख्तियार की मंजिल से भी आगे निकल गया है, कि भाई इत्तेफाक हो तो ऐसा कि अली की जाए विलादत, अली की विलादत गाह इंसान की दुनिया वालों की इबादत गाह बन जाए, और इख्तियार यह है कि एक जरबत सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए। अच्छा तो हमारा तो डिस्कशन हो रहा है, तो जश्न है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी दिल से हम महसूस करते हैं, तो हम अंदर से आराम आराम से हम चल रहे हैं।
कोई एतराज तो नहीं, आप सुनना चाह रहे सारे दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं रिलैक्स मोड में हम सारे चल रहे हैं बिल्कुल आराम से सुकून से। और जनाब मैं आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि विलादत का दिन है और जश्न भी है, तो इसलिए जनाब मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नाम गिरामी की जो फजीलत है, ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बात। सिर्फ अगर आप नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के माजिस को देखेंगे तो नाम अली इब्न अबी तालिब वो है कि जैसा नाम किसी का नहीं, और नाम अली की तासीर जैसी है वैसी तासीर और किसी के नाम की नहीं। अगर सख्त पत्थर पर पड़ दो अली का नाम यकीन के साथ तो पिघल जाए। जनाब अम्मार के लिए जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा, हुक्म दिया कि मेरा नाम लेकर इस सोने को तोड़ दो ये तुम्हारे लिए टूट जाएगा, या इस पत्थर पर पड़ दो मेरा नाम तो ये सोना बन जाएगा, और उसके बाद सोने को तोड़ दो तो ये तुम्हारे हाथों के लिए ऐसे मेरे नाम के सदके में नरम होगा जैसे परवरदिगार आलम ने हज़रत दाऊद के लिए लोहे को नरम किया था। या मौलाए हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम। नाम अली एक यहूदी ने जब चल रहा है और नहर के किनारे आ गया और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा है, नाम लिया है, तो इस काबिल हो गया था कि पानी पे चल के नहर को अबूर किया था। ये यहूदी नहीं मालूम किन किन लोगों से अफजल है कि जिसे कम से कम इतना तो है कि अली के नाम में इतना यकीन है कि जिस यकीन के साथ पढ़ रहा है अकीदे के साथ तो पानी पे चलने के काबिल बन रहा है। लेकिन मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे के अंदर खुद अपने ही नाम गिरामी के एतबार से इरशाद फरमाया कि अना कुतिबस्मी अलल अर्श फस्तकर व अलस समावात फकामत व अलल रीह फजरत व अलल वादी फहमा व अलल बर्क फलमा व अलल सहाब फदमा व अलल लैल फदजा व अजलम व अलल नहार फअनारा व तबस्सम। मैं वो अली हूँ कि जिसका नाम जब अर्श पर लिखा गया तो उसे करार आ गया, जब आसमान पर लिखा गया तो वो टिक गया, जब हवाओं पर लिखा गया तो वो चलने लगी, जब वादियों पर लिखा गया तो उससे चश्मे जारी हो गए, जब बादलों पर लिखा गया तो बरसने लगी, जब बिजलियों पर लिखा गया तो वो कड़कने लगी, जब रात पर लिखा गया तो वो अंधेर हो गई और वीरान हो गई, जब दिन पर लिखा गया तो वो रोशन हो गई और मुस्कुराने लगी, फतबस्सम तबस्सम स्माइल देने लगी, मुस्कुराने लगी। जो इंसान नाम के मामले में अली का मुकाबला न कर सके वो जात के मामले में अली का मुकाबला कैसे कर सके। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम से ये दुआ करते हैं कि बारे लहा जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के एतबार से हम यहाँ पर जमा हुए हैं, सरकारे अमीरुल मोमिनीन की आमद, उनकी तशरीफ़ आवरी, वो नूरानी मखलूक हैं कि जहाँ रसूल ने फरमाया कुन तो नबीयन वल आदमो बैनल माए वतीन, उसी तरह से मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन तो वलीयन वल आदमो बैनल माए वतीन। तो जब से मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी हैं तब से अली वली हैं। और ये दुआ करेंगे कि बारे लहा अहले बैत अथार की मवद्दत खुसूसियत के साथ अमीरुल मोमिनीन औलाद अली मोहम्मद मुस्तफ़ा औलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मवद्दत व मोहब्बत हमें हम सबको नसीब फरमा, हमारी नस्लों में इस मवद्दत व मोहब्बत को जारी व सारी फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अहले बैत के चाहने वालों से अहले बैत से मोहब्बत रखने के साथ साथ उनके दुश्मनों से नफ़रत भी हमारे दिलों के अंदर जागोजी फरमा, और इस रिज़्क को भी हमारे नस्लों में जारी उसारी फरमा। परवरदिगारा रोज़ आमद सरकार वारिस काबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
हम सबको जो तेरी बारगाह से बेहतरीन तोहफा, जो बेहतरीन नजराना इस दिन मुमकिन हो सकता है, वो हम सबको नसीब फरमा। परवरदिगार हर अशरार अर्जिया और समाविया से, बलाए अर्जिया और समाविया से हम सबको महफूज फरमा। साहिबुल अम्र वल असर वल ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें मौला व आका के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिजाह मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। मोमिनीन, महफिल ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन अभी इख्तिताम पज़ीर नहीं हुई, नसर का या खिताबत का सिलसिला तो अपने इख्तिताम को पहुँचा है, मगर नज़्म का सिलसिला अब आगाज़ हुआ चाहता है और मंजूम नजराना अकीदत पेश किए जाएंगे मदा खानों की जानिब से। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी रिश्तों पर इसी इत्मीनान और इसी सब्र के साथ बैठकर समाज फरमाइएगा। एक दुरूद भेजे सारे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।